पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुराने पेंशन बहाली मंच जनपद मुरादाबाद का एक दिवसीय धरना अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स मुरादाबाद में आयोजित किया गया। धरने की अध्यक्षता सर्वेश कुमार शर्मा जिलाध्यक्ष द्वारा की गई और संचालन श्रीकांत यादव के द्वारा किया गया। धरने को संबोधित करते हुए आर के राय ने कहा कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को विवश होंगे। मंच की अध्यक्षता करते हुए सर्वेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राजनेता मात्र एक दिन की सहायता होने पर भी पुरानी पेंशन के हकदार हो जाते हैं, पर आज सरकारी कर्मचारी शिक्षक और अधिकारी जो देश की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं उसे पुरानी पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। संयोजक श्रीकांत यादव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि इस आंदोलन को आगे और गति प्रदान की जाएगी। 28 जनवरी को मशाल जुलूस, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक महाहड़ताल की जाएगी। इसके पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। 2004 के बाद हमारे जो भी राज्य कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी भर्ते हुए हैं, सरकार ने उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी है। उसी को लेकर के जुलाई से अब तक हमारा एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है, जिसमें 8 अगस्त को इसी प्रांगण में सबसे बड़ी रैली हुई, 29-30 अगस्त को हमने कार्यालयों पर धरना दिया, 8 अक्टूबर को लखनऊ में बहुत बड़ी रैली हुई, जिससे सरकार थोड़ा से 25 करके उसने एक कमेटी बनाई जिसमें 4 IAS थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक थे कि हम 2 महीने में आपकी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे, लेकिन सरकार हठधर्मिता करते हुए उसको भी नहीं मानी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण में हम लोगों ने आज लड़ाई शुरू करी है। आज हमारा धरना प्रदर्शन है, 28 तारीख को मशाल जुलूस है, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक महाहड़ताल है। उसके बाद 12 फरवरी के बाद हम अगला निर्णय ले लेंगे कि हमारी बात क्या आगे करनी है, कहां तक हड़ताल पे जाना है। सरकार से केवल वनली वन मांगे हैं पुरानी पेंशन। जो भी कर्मचारी 2004 के बाद मेरा भर्ती हुआ है उसे सरकार पुरानी पेंशन का लाभ दे। नई पेंशन में कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी कर्मचारी को कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दे।